हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्किंटिलेशन काउंटर और डिटेक्टर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने तीन मेथड डिस्कस करे थे, रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट बाय आयनाइजेशन गैस चैम्बर, रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट बाय स्किंटिलेशन एंड थर्ड इज रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। इससे पहले वाली वीडियो में हम गीगर मुलर काउंटर जो है, आयनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर, वो तीनों टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंटिलेशन काउंटर और डिटेक्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सिंटिलेशन होता क्या है। सिंटिलेशन इज व्हेन द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी को ही डिटेक्ट कर रहे हैं, तो व्हेन द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन फॉस्फर, फॉस्फर या हम स्किंटिलेटर भी बोल सकते हैं, और सेंटिलेटर, और सेंटिलेटर दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज सेंटिलेशन। जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी सेंटिलेटर मटेरियल पर फॉल करती है तो उस वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लैश ऑफ लाइट। इस फिनोमिनन को हम सिंटिलेशन बोलते हैं। जैसे कि जो जिंक सल्फाइड है वो एक सिंटिलेटर का काम करता है अल्फा रेज के लिए, सोडियम आयोडाइड जो है वो गामा रेज के लिए हम सिंटिलेटर यूज करते हैं। अभी आगे हम समझेंगे कि सिंटिलेटर होते क्या है डिटेल में। स्किंटिलेशन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पल्स ऑफ करंट, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हम काउंट करते हैं सिंटिलेशन में थ्रू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड इलेक्ट्रोमीटर। इन दोनों की मदद से हम जितना भी करंट प्रोड्यूस हुआ है सिंटिलेशन काउंटर में किसी रेडिएशन की वजह से, उसको हम काउंट करेंगे और हमें पता चल जाएगा जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी पर थी। तो पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, सिंटिलेशन डिटेक्टर और काउंटर की, ये कैसे बना होता है। इसके मेन जो है दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सिंटिलेटर एंड सेकंड इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो जो सबसे पहला पार्ट है सिंटिलेटर, तो सिंटिलेटर क्या है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल मीडियम। ये इस तरीके से यहाँ पर जो है एक सिंटिलेटर होता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल मीडियम होता है। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल या फिर कोई रेडिएशन या कोई भी एनर्जेटिक जो है पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या होता है कि जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगा तो स्किंटिलेटर जो मटेरियल है, इसका जो मीडियम है, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से आई है, वो एनर्जी आई है हमारी इंसिडेंट रेडिएशन से। तो जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उस रेडिएशन को स्किंटिलेटर के अंदर जो मीडियम है उसके एटम है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे और फोटोन ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगा। फोटोन ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस होगा, जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है स्किंटिलेटर मीडियम के अंदर, जो एटम है ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हाई एनर्जी लेवल पर, हाई एनर्जी लेवल पर। लेकिन हाई एनर्जी लेवल पर ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए इसको इट हैज टू कम बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल पर ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, जब ये वापस आएगा लोअर एनर्जी लेवल पर तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने गेन करी थी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये लोअर एनर्जी लेवल पर आते वक्त क्या कर देगा, रिलीज करेगा, उसको रिलीज करेगा। और रिलीज कैसे करता है, इन द टर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स। तो क्या होता है कि जो भी एटम एनर्जी गेन करेगा किसी भी रेडिएशन से, किसी भी चार्ज पार्टिकल से, उस एनर्जी को गेन करने के बाद वो एक हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। उस एनर्जी लेवल पर पहुंचने के बाद जब वो वापस क्या होता है, नीचे लो एनर्जी लेवल पर आता है, तो लो एनर्जी लेवल पर आते वक्त वो बीच में क्या रिलीज करता है, फोटोन्स रिलीज करता है। अब ये जो फोटोन है, ये फोटोन कहाँ पहुंचते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ फोटो कैथोड। तो स्किंटिलेटर में क्या प्रोड्यूस हुए हैं, लाइट फोटोन्स। अब जो ये लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस हुए हैं दे फॉल ऑन ए फोटो कैथोड। अब फोटो कैथोड क्या है, फोटो कैथोड इज ए मटीरियल,
एंड इट कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन. लाइट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इफ इंसिडेंट फोटोन्स फॉलिंग ऑन ए मेटीरियल सर्फेस और ए मेटल सर्फेस दे हैव ए हाई एनर्जी और एनर्जी एनफ टू प्रोड्यूस टू एनर्जी सफिशियंट देन इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेटल सर्फेस. अब देखो क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो लाइट फोटोन प्रोड्यूस हुआ है हमारा स्केंटिलेटर में वो लाइट फोटोन जो है फोटो कैथोड, दिस इज द फोटो कैथोड, इस फोटो कैथोड के ऊपर फॉल करेगा. अब जो ये लाइट फोटोन है फोटो कैथोड पर जब फॉल करेगा तो जो फोटो कैथोड जो मटेरियल है वो क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स में. जब वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन. तो फोटो कैथोड में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द फोटो कैथोड. फोटो कैथोड की वजह से हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया है. अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है फोकसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं बीच में, इनकी मदद से कहाँ फोकस हो जाएगा, आगे आगे जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दिस जो होल ट्यूब, दिस होल ट्यूब इज नोन एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और इसको हम पीएमटी भी बोलते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. तो जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फॉल करेगा, नेक्स्ट जो हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में है. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सेवरल डायनोड्स, दीज आर डायनोड्स. तो डायनोड जो है दे इलेक्ट्रोड ही होते हैं बेसिकली जो डायनोड है, लेकिन क्या होता है कि जो पहला डायनोड है वो उससे जो अगला डायनोड होगा सेकंड डायनोड वो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा. अगर ये 100 वोल्ट पर है ये 200, 300, 4 एंड सबसिक्वेंट कम से कम 10 के करीब जो हमारे पास डायनोड या इलेक्ट्रोड्स जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में होती है. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सपोज 100 से तो एट द एंड वी हैव अप टू 1000 वोल्ट. हर एक डायनोड जो है वो मोर पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा अपने से पहले वाले में. अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फोटो कैथोड से जो प्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन किस पर फॉल करेगा, फर्स्ट डायनोड पर. अब फर्स्ट डायनोड पर जब वो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो जो डायनोड्स होते हैं दे आर कोटेड विद मटेरियल, वो ऐसे मटेरियल से कोट करे जाते हैं जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं. अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ से आया था, फोटो कैथोड से. तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा डायनोड पर, डायनोड क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. सपोज हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है जब ये फोटो कैथोड से आया इट फॉल्स ऑन फर्स्ट डायनोड. अब यहाँ पर फॉल करने के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली हम ये मानते हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा. ये सेकेंड डायनोड पर फॉल करेगा यहाँ से 4, इस तरीके से एट द एंड हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना ज्यादा हो जाते हैं अप टू 10^6, इससे भी ज्यादा एम्पलीफिकेशन हमारे पास हो जाता है. तो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से हमारे पास मिलियंस के करीब जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं. एट द एंड जो हमारा लास्ट डायनोड है वहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो किस पर फॉल करते हैं, दिस इज द एनोड, वो एनोड पर फॉल करेंगे. एनोड क्या करेगा, एनोड जो है वोल्टेज ऑफ द पल्स इज मेजर्ड. एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे, जितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, जितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, वो जो पल्स है वो मेजर कर ली जाएगी. यहाँ से ये डिटेक्टर रिकॉर्डर और पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिकॉर्ड आ जाएगा. अब जो हमारे पास ये आता है कि इतनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने 10^6 इलेक्ट्रॉन तक कन्वर्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, लार्ज एम्पलीफिकेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सिग्नल है, जो सबसे पहला जो हमारा सिग्नल आया है वो बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही लो होता है, वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें लार्ज एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. एक इलेक्ट्रॉन को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन तक जो है कन्वर्ट कर लेते हैं. अब जो इसकी अगर हम यूजेस की बात करें या इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहली जो एडवांटेजेस है वो स्केंटिलेशन काउंटर की, सबसे पहली एडवांटेज तो यही है कि इसमें जो हम एम्पलीफिकेशन है वो 10^6 टू 10^8 तक जो हमारी एम्पलीफिकेशन जाती है. दूसरा क्या है, हम इसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी जो रेज है उनको हम इसमें वो कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर हम इसे यूजेस की बात करते हैं या इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस जो हैं, एम्पलीफिकेशन इज वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होती है
10 रेस्ट टू पावर 6 टू 10 रेस्ट टू पावर 8 तक एम्पलीफिकेशन होती है। दूसरा क्या है, हम जो है अल्फा बीटा और गामा कोई भी जो रेज हैं या फिर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर और डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट जो है बहुत हाई है। तो सपोज आपको जो हमने इसका एक बार फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, आपको क्या किया था हमने कि हमने कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक वो स्किंटिलेटर मीडियम में एंटर करवाया। स्किंटिलेटर मीडियम में जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो डी एक्साइट होता है, जब वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या रिलीज करेगा, फोटोन्स। ये फोटोन्स जब फोटो कैथोड पर फॉल करेंगे तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फोटो जो कैथोड है वो ऐसा मटेरियल है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो फिर किस पर फॉल करेंगे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ डायनोड्स, अप टू 10 जो डायनोड्स हैं इसके अंदर वो लगे होते हैं। अब डायनोड इस तरीके से अरेंज है कि जो भी कर्व शेप में होते हैं ये, कि जो भी इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा जब वो नेक्स्ट पर जाएगा तो एट ईच लेवल एम्पलीफिकेशन टेक्स प्लेस एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड एट द एनोड वेयर द वोल्टेज ऑफ द पल्स इज मेजर्ड। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।